हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 12 दिसंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो देखते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, राहुल गांधी फाइनली इलेक्ट कर लिए गए हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए कांग्रेस के, राइट। तो ये लिख रहा है कि अनअपोज इलेक्ट हुए हैं, तो कोई था ही नहीं तो अनअपोज तो होना ही था। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये देखिए, अनुष्का और विराट की शादी हो रही है, ये भी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़ ये जो है, देखिए, मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने इन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ मिलकर गुजरात के इलेक्शन में को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मैनिपुलेट इलेक्शन की कोशिश है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये सब बेसलेस आरोप है और पीएम को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। पीएम के पद की गरिमा होती है, उसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग हो रही है, ये हमने डिस्कस किया था कल एडिटोरियल में, राइट। तो उसमें इंडिया ने कहा है कि जो इनका पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का जो इशू है वो बहुत ही क्रूशियल है। इसके अलावा कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी की जो डील होनी है वो कह रहे हैं कि नो डब्ल्यूटीओ डील विदाउट फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी के बिना डील हो ही नहीं सकती, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो देखिए, इंडिया ऑन मंडे सेड इट कैन नॉट एनविसेज एनी निगोशिएटेड आउटकम एट द आउटगोइंग मीटिंग इन द डब्ल्यूटीओ अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी विच डज नॉट इंक्लूड सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी राइट इशूज़। तो कह रहे हैं कि इसमें जब तक कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड रिजोल्यूशन नहीं हो जाता, मतलब इसको अगर जब तक सुलझा नहीं दिया जाता तब तक यह क्या करेंगे, तब तक कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना, तब तक कोई निगोशिएशन नहीं होगा। तो सुरेश प्रभु वहाँ पर मौजूद है, ये मीटिंग शुरू हो गई है अर्जेंटीना में, ये हो रही है। इसके अलावा कुछ और जो सोल्यूशन चीज़ें हैं जिन पे मतभेद है वो है इस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, और इसके अलावा ई कॉमर्स का भी एक मुद्दा था हमारा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है फूड सिक्योरिटी का, ये 800 मिलियन पीपल से रिलेटेड है जो कि हंगर का शिकार है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इसको सुलझाना और इस पर बात करना मतलब बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा कह रहे हैं कि इंडिया ने, देखिए, फाइनली कह दिया है कि वो इंडिया चाहता है परमानेंट सोल्यूशन विथ ऑनरस कंडीशन दैट टर्न मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट द फूड सिक्योरिटी नीड्स फॉर देयर पीपल, राइट। क्योंकि फूड सिक्योरिटी का ऐसा इशू है जो कि बहुत सारी वहाँ के पीपल्स को अफेक्ट करता है, राइट। तो फूड सिक्योरिटी एक तरीके से बहुत ही क्रूशियल इशू है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया इस पे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता है, राइट। और ये देखिए, ये जो इशू हुआ था, मेडिकल एसोसिएशन ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, फोर्टिस की लाइसेंस रद्द कर दिया था। उस पर देखिए, अब आईएमए थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। आईएमए ने कहा है कि एक सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है डॉक्टर्स को, और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरजेंसी केसेस में क्या होगा, एक तरीके से कंपनसेशन की बात की, और उन्होंने एक रिम्बर्समेंट मैकेनिज्म कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मतलब ये कह ये रहे कि गवर्नमेंट जो है उसको क्या करनी चाहिए, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए इमरजेंसीज केसेस में, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल होते हैं उनको गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज प्रोवाइड करे तो बाद में जैसे उसका रिम्बर्समेंट हो जाए तो उसमें क्या होगा कि लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इमरजेंसी इलाज जो होगा वो सस्ता हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, समझ रहे हैं। तो ये न्यूज़ हमने देखी। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, और इस पेज पे कुछ है नहीं हमारे लिए। और यहाँ भी देखिए, हमने कल डिस्कस की थी महानदी से रिलेटेड, तो महानदी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में महानदी की राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिख सकते हैं, राइट। तो हमने कल डिस्कस किया था इसको, अगर आप चाहें तो कल वाला लेक्चर देख सकते हैं, हमने इसका मैप भी दिखाया था आप लोगों को। और ये जो न्यूज़ है ये है, इसमें इन लोगों के बीच रक्कस चल रही है, उड़ीसा असेंबली में ये हुआ है हंगामा, और महानदी और इसके अलावा फार्मर इश्यूज जो है उसको लेके, राइट। ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है नागालैंड में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का, 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है, और इसमें जितनी जाति जितने ट्राइब्स होते हैं सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें वो सेलिब्रेट करते हैं अपने इसमें डांस और सारी चीज़ें, सॉन्ग्स, कॉस्ट्यूम्स वगैरह अपना सब ये डिस्प्ले ये लोग करते हैं। तो इस बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग विजिटर इस बार 2,43,214 थे, जो कि पिछले साल से करीब दोगुना थे, राइट। तो ये प्रोग्राम जो होती है स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ही चलाती है, तो टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वो उनके कोऑपरेशन के साथ ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये याद रखें, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक और चीज़ ये है, जो हॉर्नबिल है, ये जो हॉर्नबिल ये एक बर्ड का नाम है, लेकिन हॉर्नबिल जो है नागालैंड की स्टेट बर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा ज़रूर आप। हॉर्नबिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश की और स्टेट बर्ड है, राइट।
मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो है ये है वो, देखिए यही है अरुणाचल प्रदेश की ग्रेट हॉर्नबिल, ये है ठीक है ना। तो आप इसको ब्यूकेरस बाइकोनिस, इसका नाम है साइंटिफिक नेम है बाइकोनिस ठीक है ना। तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अगर स्टेट बर्ड आए तो अरुणाचल प्रदेश, और फेस्टिवल अगर आए तो वो नागालैंड ठीक है ना। तो इसको बहुत याद रखिएगा। और इसका देखिए ये कह रहे हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें सारे जो हैं जो ट्राइब्स वगैरह वो कोइंसाइड करें ठीक है। और इसको एक तरीके से स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन के तौर पे भी मनाया जाता है राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली ये है। और यहाँ पे हाँ ये देखिए चीज़ें एक है यहाँ पे, माइनर रेप विक्टिम अंडरगोज एबॉर्शन इन 19 वीक। तो 19 वीक में एबॉर्शन किया जाना एक बहुत ही रिस्की वैसे होता है, लेकिन हमारा जो कानून है, कानून के हिसाब से आप 20 वीक तक आप एबॉर्शन कर सकते हो। जो हमारा एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो क्या करता है 20 वीक के बाद आपको एबॉर्शन के लिए अलाउ नहीं करता है। तो ये देखिए ये 19 वीक और कुछ दिन ऑलरेडी इसमें हो गए थे, तो इनको इसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये डिसीज़न हुआ, जब ये मिले मतलब कोर्ट से इन्हें जब ऑर्डर मिला, तो उसके कुछ ही घंटों बाद ये इन्हें अबॉर्शन कर दिया, क्योंकि इनको इनके पास टाइम बहुत कम था। अगर 20th वीक हो जाता तो फिर ये नहीं कर पाते ठीक है ना। तो हमें याद ये पे यही रखना है कि 20th वीक याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट राइट। अगली न्यूज़ देखिए, राजस्थान में इन्होंने बैंगल्स का ये लोग बनाते हैं। तो पहले जो होता था फ्यूम्स वगैरह मतलब धुएं वगैरह काफ़ी निकलते थे, अब ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक तरीके से कह रहे हैं कि नए तरीके से जिसमें धुएं वगैरह नहीं होंगे। तो उन्होंने एक नया जो किल्न, किल्न मतलब क्या होता है भट्टा, तो ये इसको मॉडिफाइड बैंगल्स किल्न इन्होंने लगाया है राइट। तो इससे क्या होगा, लोगों को जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी उससे अब आज़ादी मिल जाएगी ठीक है ना। तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को हेल्थ इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये है टेक्नोलॉजी का यूज़। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एंडोसल्फान याद रखें। एंडोसल्फान जो है ये क्या है, ये एक पोल्यूटेंट है, ये एक पेस्टिसाइड है ठीक है ना। तो जो है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही हजार्डस होता है हमारी हेल्थ पे। तो इसको हालांकि बैन किया गया है, लेकिन ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ एक्चुअली रिलेटेड इससे है क्योंकि केरला में क्या हुआ था कि बहुत सारे इसके विक्टिम हैं ठीक है। तो उनको कंपनसेशन दिया जाना था, लेकिन स्टेट ने अभी तक उन लोगों को कंपनसेट नहीं किया। तो वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि अब तक उन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है राइट, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद। इसमें कुछ बता रहे हैं कि 5 लाख रुपये दिए जाने थे पिटिशनर्स को, और कुल 6,000 पर्सन थे ऐसे जिनको ये दिया जाना था। हालांकि जनवरी में कह रहे हैं कि केरला ने गवर्नमेंट ने कहा था कि ये 180 करोड़ रुपये उसके लिए कंपनसेशन के लिए इन्होंने मार्क किए हैं राइट, जो कि टर्मिनली ई लोग हैं ऐसे लोगों को राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें देखिए हमारे लिए इंडोसल्फान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडोसल्फान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडोसल्फान है क्या राइट। तो इंडोसल्फान देखिए, इंडोसल्फान ये है आपका, करें मोस्ट टॉक्सिक पेस्टिसाइड है, और हाँ मोस्ट टॉक्सिक पेस्टिसाइड हैविंग हजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन जेनेटिक एंड इंडोक्राइन, ठीक इंडोक्राइन सिस्टम पे भी इसका असर पड़ता है ठीक है ना। तो इंडोक्राइन का मतलब होता है जो हार्मोनल हमारा सिस्टम होता है वो इंडोक्राइन में आता है ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ह्यूमन जेनेटिक, जेनेटिक्स पे भी इसका देखिए डीएनए वगैरह पे भी इसका असर रहता है ठीक है ना। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 2011 में इसको ऐड किया गया था ठीक है ना, और ये एक तरीके से बैंड लिस्ट में आता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है इसमें वही सारे पेस्टिसाइड आते हैं जो कि बैन है, जिनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, जो इम्पैक्ट करते हैं हेल्थ पे, बहुत ही उनका बुरा इफेक्ट होता है ठीक है ना। तो हेल्थ अगर हजार्डस है तो उनको इसमें रखा जाता है। देखिए इसके इफेक्ट क्या क्या है, इससे क्या होता है डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट राइट। इसके अलावा ऑटिज्म, बायो एक्युमुलेशन, इंडोक्राइन डिसरप्शन, लॉन्ग रेंज कंटेमिनेशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी, लॉन्ग रेंज कंटेमिनेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा सेंसरी लॉस भी हो सकता है ठीक है ना। तो ये सारे इसके, तो इसको याद रखें आप राइट, इंडोसल्फान को। और इंडोसल्फान से रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन राइट। तो 2011 में इसको बैन किया गया था, इंडिया में ये बैन है लेकिन इसका यूज़ अभी भी कुछ लोग करते हैं।
ठीक है। ये देखिए चिल्ड्रेन जो है ये 136 एनिवर्सरी मना रहे हैं, एक फ्रीडम फाइटर थे, तमिल पोएट है, एट्टा इताया पुरम, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा देख सकते हैं आप। अगली न्यूज़ जो होगी, डोंट स्पीक बीजेपी लैंग्वेज, ममता टेस्ट तृणमूल कांग्रेस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बर्निंग लव को एक मूवी है जिसको रिलीज़ करना है, तो यूपी ने कहा है कि इस पर कोई बैन नहीं है, ठीक है ना। अगली न्यूज़ जो है वो देखिए, सीनियर लायर क्विट्स प्रैक्टिस ओवर ह्यूमिलेटिंग एंड टू एज। ये देखिए एक लायर है राजीव धवन, तो पिछली बार ये जो इनकी कहा सुनी हो गई थी सीजीआई के साथ, तो सीजीआई ने कुछ ऐसे बोल दिया था जिनको जिससे इन्हें बुरा लग गया, राइट। तो इन्होंने क्या किया, उस केस से क्विट होने का ही फैसला कर लिया, ठीक है ना। और ये जो जो केस था, एक्चुअली ये केस था हाँ, सेंटर और दिल्ली पावर का ये जो केस चल रहा है ना अभी अभी, है ना, कि मतलब सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का अभी पावर से रिलेटेड केस चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी में ये बहस कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द इन्होंने कहे थे कि सीजीआई ने कहा था कि कुछ देखिए, ही सेड दैट कंडक्ट ऑफ द सर्टेन सीनियर काउंसिल वर एट्रोसियस एंड दे डिड नॉट डिजर्व द सीनियर गाउन। तो ये इन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको भी, उन्होंने कहा था कि दे डिड नॉट डिजर्व द सीनियर गाउन। तो इसी पे ये इन्होंने उस केस से क्विट करने का फैसला कर लिया, राइट। इसके अलावा ये इसरो से रिलेटेड न्यूज़ है, देखिए इसरो ने क्या किया, एक कॉम्पैक्ट, कह रहे हैं कि इसरो का जो अगला प्रोग्राम है वो कॉम्पैक्ट लॉन्चर का है फॉर स्मॉल सेटेलाइट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अब जो होगा उससे क्या होगा, 500 से जो 600 किलोग्राम की सेटेलाइट जो है वो कैपेबल होगी ऑर्बिट में जाने के लिए, राइट। और ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि इसरो ने अब तक क्या किया है। 1990s में इसरो ने PSLV रॉकेट लॉन्च किया था 209 स्मॉल सेटेलाइट के साथ, ठीक है। इसमें 28 कंट्रीज़ के ये सेटेलाइट थे, और ये फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने किया था, ठीक है ना। इसके अलावा दे हैव बीन एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सिटी और रिमोट सेंसिंग यूजेज। फरवरी इस साल फरवरी की बात कर रहे हैं कि इन्होंने PSLV 104 जो सेटेलाइट स्पेस में PSLV ने वो किए थे, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, 104 सेटेलाइट टू स्पेस PSLV के थ्रू ही हुआ था। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि जो उनका अगला प्लान है 2018 का, वो कह रहे हैं कि 30 स्मॉल कस्टमर सेटेलाइट टू स्पेस, देयर वेट रेंजिंग फ्रॉम 1 kg टू 100 kg, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इनका ये सारा प्लान है। और अगली न्यूज़ देखिए, सस्पेंड मेंबर, देखिए इन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि चूंकि डिसरप्शन बहुत होता है हाउसेज में, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट हाउसेज में, उसके लिए कह रहे हैं कि कोई एक रूल बनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो, स्पेसिफिक प्रोविज़न ऐसा हो कि वो मतलब वो रूल ऑफ बिजनेस में मेंशन हो कि अगर कोई वेल में जाएगा तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब वो सस्पेंशन उसका हो जाएगा, राइट। देखिए ये एक वैसे इशू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत होता है कि हमारे वहाँ एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों का बहुत बुरा हाल है, और एक तो हमारे वहाँ सिटिंग काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। मतलब पार्लियामेंट बैठती ही बहुत कम है, दूसरी बात है अगर बैठती भी है तो डिसरप्शन बहुत होता है, जिसकी वजह से उसकी वर्किंग पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि पार्लियामेंट तो ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली तो इसका तो बहुत ही वर्स हाल है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी, उसमें ये चीज़ आई थी कि कुछ स्टेट्स में तो इवन पूरे साल में कहीं तो 3-4 दिन का ऐसे भी कुछ आया था, पांडिचेरी वगैरह का शायद। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर इसका जो लेजिस्लेचर का काम होना चाहिए, प्रॉपर स्क्रूटनी, डिबेट और ये सारी चीज़ें वो हो नहीं पा रही है, ठीक है ना। और जितना अगर कम टाइम मिलेगा तो वो उतने, मतलब लॉ बनाने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी चाहिए, कमेटी बैठे, उसके रिकमेंडेशन हो, सारी चीज़ें देखी जाए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस पर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम दिया जाता है, राइट। इसके अलावा ये जो है, ये न्यूज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, DNA हमारे प्रोफाइलिंग के जो पायनियर थे लालजी सिंह, उन वो एक्सपायर कर गए, और इनको फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है, और उन्हीं की मदद से 1990s में एक सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक बनाया गया था, ठीक है। तो बहुत ही एक जो सैड न्यूज़ है, राइट। तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं, अगली न्यूज़ ये हमने डिस्कस कर लिया है, और ये एडिटोरियल थोड़ी देर में कोशिश करेंगे देखने की। और ये देखिए ये जो न्यूज़ है, एक मीटिंग हुई है कल RIC की। RIC क्या है, RIC है ये है रशिया, इंडिया और चाइना, तीनों के फॉरेन मिनिस्टर ने कल एक मीटिंग की है। तो मेन जो डिस्कस हुआ है वो टेरर से रिलेटेड ही डिस्कशन इन्होंने किया है, और इसके अलावा इन्होंने जो रशिया का जो रोल था सीरिया में उसकी बहुत तारीफ़ की है, और इन्होंने कहा है कि नो डाउट जो सीरिया
रशिया जो था उसने सीरियन लेड सीरियन और उस मतलब एक तरीके से वहाँ पे टेररिज्म को ख़त्म करने में बहुत अच्छा काम किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा है, तीन तीन इमर्जिंग कंट्रीज, तीन पावर है ये, ठीक है ना, दुनिया के तीन बड़े पावर, चाइना, इंडिया और रशिया। इसके अलावा रशिया फेवर स्टॉक विद तालिबान। देखिए रशिया ने कहा है कि जो यूएस की जो पॉलिसी थी अफगानिस्तान में वो एक तरीके से काम नहीं की, 15 साल हो गए और अभी भी लेकिन वहाँ पे वायलेंस कम नहीं हुआ है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पे जो सारे स्टेक होल्डर हैं तो उनको पीस में शामिल किया जाए, ठीक है ना। पॉलिटिकल डायलॉग फॉर पीस इन अफगानिस्तान शुड इंक्लूड तालिबान एंड अदर रीजनल कंट्रीज़, ठीक है। तो और सारे रीजनल कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। और ये तो गुजरात इलेक्शन, और ये जो एक न्यूज़ है ये क्या है, हाँ इंडिया चाइना, ये देखिए आरआईसी की जो मीटिंग हमने अभी ऊपर डिस्कस की उसी उसी में ये बातें ये भी हुई है। तो इन दोनों ने, इंडिया और चाइना ने ये कहा है कि जो अभी डोकलाम वाला इशू था, करें कि नो डाउट वो हमारे लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ था। इन्होंने देखिए लिखा है डोकलाम अर्लियर दिस ईयर वॉज अ डिफ़िकल्ट फेज़, राइट। इसके अलावा इन्होंने देखिए ये कहा है कि अभी डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने कहा है कि अभी डोकलाम इशू पे स्टेटस को बना हुआ है, अभी फिर उसमें कोई बात आगे बढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी। इसके अलावा पुतिन ने क्या कहा है, पुतिन ने ऑर्डर किया है यहाँ से, देखिए सीरिया से अब इनकी फोर्सेज विदड्रॉ कर रहे हैं, विदड्रॉ हो रही है वहाँ से, ये वापस जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो नेवल बेस है वो अभी भी वहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। रिटेन एयर एयर बेस एंड नेवल बेस दोनों रहेगा, सॉरी एयर बेस और नेवल बेस अभी भी वहाँ पर रहेगा, और उनकी मतलब वो परमानेंटली कह रहे हैं कि ये दोनों बेस रहेंगे, ठीक है ना। फोर्सेस हालांकि विदड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये नेवल और एयरबेस वहाँ पे रहेंगे। देखिए सऊदी अरबिया ने एक फैसला लिया है, वहाँ पे अब रिफॉर्म चल रहा है तो सिनेमा हॉल से उन्होंने जो बैन था उसको हटा लिया है, राइट। मतलब अब वहाँ पे सिनेमा हॉल में आप मूवी देख सकते हैं, कमर्शियल सिनेमा हॉल जो वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा डिसीजन ऑन ईरान न्यूक्लियर डील बैक इन ट्रम्प्स कोर्ट। देखिए फाइनली जो न्यूक्लियर डील ईरान की जो थी यूएस के साथ, उसमें ट्रंप ने फैसला किया था उसको सर्टिफाई ना करने का, राइट। तो वो कह रहे हैं कि फाइनली अब जो कांग्रेस थी वहाँ की उससे अब एक सेकेंड, हाँ, तो कांग्रेस की जो डेडलाइन थी वो कह रहे हैं रीइम्पोज करने की इस डील को, वो इस वीक ख़त्म हो रही है, राइट। तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने कोई वैसी वो अनेबल टू गैदर सपोर्ट टू अमेंड एग्जिस्टिंग ओवरसाइट लॉ, ठीक है। तो कांग्रेस एक तरीके से इसमें कोई अमेंड नहीं कर पाई, तो फाइनली मतलब कहने का यही है कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप ही डिसाइड करेंगे कि उसको क्या करना है, राइट। और इसमें जो इनरा था, इनरा का मतलब क्या है, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट रिव्यू एक्ट, तो इनरा को कह रहे हैं कि ये 60 डेज मतलब इसका प्रोविज़न जो है वो 60 डेज का था, टू री इम्पोज न्यूक्लियर रिलेटेड सेंक्शन इन द इवेंट ऑफ रिफ्यूजल बाई प्रेसिडेंट टू सर्टिफाई द डील, राइट। तो वो 60 डेज हो चुके हैं, तो अब देखना है कि इसमें क्या होता है, अब डोनाल्ड ट्रंप को ही डिसाइड करना है। और ये जो न्यूज़ है ये अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है, मतलब इसमें कहते हैं कि जो विक्टिम होते हैं वहाँ पर उनको बहुत ही उनके साथ अत्याचार होता है, उनको एज ए क्रिमिनल फेस किया जाता है, तो ये सिचुएशन बहुत वर्स है वहाँ की। और ये देखिए एफआरडीआई से रिलेटेड अरुण जेटली ने कहा है कि ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि डिपॉजिटर के पैसे डूब जाएंगे अगर बैंकरप्सी होती है या बैंक फेलियर होता है, तो राइट। ये कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, हम डिपॉजिटर के जो डिपॉजिटर को हम प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। इन्होंने देखिए लिखा है कि बेल इन जो क्लास है इन ड्राफ्ट, तो उसको कह रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही फिर उसमें रिकमेंडेशन को हम देखेंगे, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इस पर हमने 2.11 लाख करोड़ का इन्फ्यूज़न किया है ताकि बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक को और स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है ना। तो ये बातें इन्होंने कही है, या और उन्होंने इसी न्यूज़पेपर में नीचे इन्होंने इस अफवाह के लिए एक ऐड भी डाला है, अभी नीचे अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट। तो मेनली इन्होंने यही कहा है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, दे विल फुल्ली प्रोटेक्टेड, राइट। आप कमेंट बॉक्स में लिखे बेल इन क्लॉज क्या है, हमने डिस्कस किया था कल भी शायद और परसों भी, 2 दिन डिस्कस किया था। और ये देखिए WTO की जो मीटिंग हो रही है तो उसमें ये कह रहे हैं ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स पे जो इंडिया का जो स्टैंड है वो भी काफ़ी मतलब उसमें भी इंडिया पिघलने वाला नहीं है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया हार्डेंस स्टैंड ऑन ई कॉमर्स, तो इंडिया ने अपने कहा है कि हमारा जो स्टैंड है उस पर हम बने रहेंगे, और इंडिया हैज़ टेकन हार्ड स्टैंड एंड द वर्ल्ड
एट द WTO मीटिंग हेयर ऑन ई कॉमर्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड नॉर्म्स फॉर द स्मॉल फॉर्म एसेस टू द ग्लोबल मार्केट प्लेस, राइट। तो इन्होंने कहा है इंडिया हैज़ लेड प्री कंडीशन फॉर गिविंग इट कंसेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम दैट कंस्ट्रेंस नंबर नेशन फ्रॉम लेइंग कस्टम। तो ये कह रहे कि हम उसमें एक प्री कंडीशन रखेंगे, राइट। अगर ये देखिए रिलेटेड ये बात जो है, देखिए ये कह रहे हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स से रिलेटेड देखिए एक कंसेंट है। तो ये कह रहे हैं कि कंसेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम। तो मॉरेटोरियम जो है उसका अगर आपको कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देना है तो हम कंसेंट तभी देंगे कि उसके लिए हमको कुछ प्री कंडीशन होगी, ठीक है। ये रिलेटेड एक्चुअली बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन जो होता है उसकी कस्टम ड्यूटी जो ड्यूटी से रिलेटेड, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो कस्टम ड्यूटीज लेवी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन पे, तो उसके जो उसका मोरेटोरियम है तो उसको एक्सटेंड हम तभी करेंगे जबकि हमारी कुछ प्री कंडीशन अब मानेंगे, राइट। तो ये सारी न्यूज़। तो WTO का मतलब ये चल रही है अभी बैठक, इसका फाइनल वैसे आ जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा ये देखिए ये जो न्यूज़ है इसमें UN ने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.2% होगी 2018-19 में और इस 7.4% होगी 2019-20 में, राइट। इसके अलावा देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि एनेमिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी एक इशू बना हुआ है, राइट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक जो मैक्रो इकोनॉमिक कह रहे हैं कि एक कंसर्न अभी भी है जो कि बना हुआ है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। और ये सारी न्यूज़। इसके अलावा ये देखिए WTO चीफ ने कहा है कि जो कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं 164 कंट्रीज़ जो है वो कह रहे हैं कि उन लोगों में काफ़ी गैप है, वाइड गैप देखने को मिल रहा है बहुत सारे इश्यूज़ पे, राइट। तो यही कहा है उन्होंने कि इन लोगों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी होगी, इस गैप को कम करना होगा अगर कोई हमें इशू रिजॉल्व करना है तो, ठीक है ना। तो हाँ यही न्यूज़ मैं कह रहा था। देखिए इन्होंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्योर सिक्योरिटी ऑफ मनी डिपॉजिटर इन द बैंक, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर, और ये सारी बातें इन्होंने लिखी है कि ये रूमर फैलाया जा रहा है, बी अवेयर ऑफ मॉन्गरिंग अगेंस्ट बैंक। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।